क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इसको भी लीड ही करेंगे। पहला पार्ट जो नीचे दिया गया है तो यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू t लेट कर लेंगे। ठीक, जब t लेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे cos tan है 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, उसके बाद dt बाई dx हो जाएगा। इस साइड भेज देंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब और क्या करना है, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू ट्रांसपोज कर देंगे t माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर हम रख देंगे, तो यहां पर जब रखेंगे x के प्लेस पर t माइनस 4, तो ये हो जाएगा t माइनस 4 अपान इसके प्लेस पर ये रूट टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन उसके बाद डी टी होगा। ठीक, हाँ, तो ये हो जाएगा डी टी। अब इसको सेपरेटली डिवाइड कर देंगे और इसको टी को लिख सकते हैं रूट टी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताए भी थे, तो ये हो जाएगा रूट टी इंटू रूट टी हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पर रूट टी और यहाँ पर भी रूट टी। ठीक, सेपरेट डिवाइड भी हो गया, इंटीग्रेशन डी टी हो गया। ये टी से टी कैंसिल हो गया तो रूट टी बचा है, उसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 4t की पावर -1/2, और इसको भी लिख सकते हैं t की पावर 1/2, इंटीग्रेशन है उसके बाद डी टी है। अब सेपरेटली इंटीग्रेशन कर देंगे तो जब सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 1/2, ये हो जाएगा डी टी। माइनस 4 cos tan है, इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 हो जाएगा, उसके बाद डी टी। अब जब इसको समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1 हो जाएगा, नीचे भी 1/2 + 1 हो जाएगा, उसके बाद माइनस है, माइनस कर देंगे यहाँ पर 4 cos tan, 4 को बाहर ही किए, t की पावर भी सेम प्रोसेस वही रहेगा, ये हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 हो जाएगा, नीचे भी -1/2 + 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस c हो गया। 2 × 1 = 2, 2 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, तो t की पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, उसके बाद माइनस है, ये हो जाएगा 4 और 2 × 1 = 2 घट जाएगा, तो मतलब प्लस वाले में से घटेगा, जब प्लस वाले में से घटेगा तो आ जाएगा t की पावर 1/2 हो जाएगा, नीचे भी हमारा 1/2 आएगा। अब इसमें गुणा कर देंगे और प्लस हमारा सी है तो ये हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब टी का वैल्यू भी यहाँ पर हम रख देंगे, टी का वैल्यू x प्लस 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस है 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8 हो गया, टी का वैल्यू x प्लस 4 कर देंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा पावर 1/2 + 3, तो हमारा आंसर ये आ गया। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको भी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो दिया गया इसी वाले पार्ट को लेट ही करना है। ठीक, तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू t लेट कर देते हैं। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² ये हमारा 0 हो जाएगा, उसके बाद dt बाई dx हो जाएगा। ठीक, अब 3 को इस साइड भेज देंगे, dx को इस साइड भेज देंगे तो x² हो जाएगा, dx इक्वल टू 1/3 dt हो गया। ठीक, और हम x क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x क्यूब इक्वल टू उस साइड भेजेंगे तो t प्लस 1 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं x क्यूब के। तो इसको अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 पावर है 1/3, और इसको लिख सकते हैं x क्यूब इंटू x स्क्वायर, क्योंकि गुणा में खाते जुड़ते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो ये हो गया dx। अब इसके प्लेस पर हमने t लेट किए हैं तो हम t राइट कर देंगे, t की पावर हो जाएगा 1/3, x क्यूब के प्लेस पर t प्लस 1 लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t प्लस 1, x स्क्वायर dx के प्लेस पर 1/3 dt हो जाएगा, तो हमने dt यहाँ पर कर दिए हैं, 1/3 को बाहर कर देते हैं क्योंकि cos tan है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा t की पावर 1/3, उसके बाद है इंटू t की पावर 1 है प्लस t की पावर 1/3, उसके बाद यहाँ 4 cos tan ही है, इंटीग्रेशन dt होगा। अब जोड़ देंगे 3 × 3 = 3, 4 4/3 हो जाएगा, तो
की पावर 4/3 हो गया। ठीक, उसके बाद प्लस सेपरेट इंटीग्रेशन भी कर देते हैं तो यहाँ पर डी टी हो जाएगा और ये 4 हमारा कॉन्स्टेंट, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/3 हो गया, उसके बाद डी टी। ठीक, अब इसको सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 टी की पावर 4/3 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी 4/3 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपान 1/3 प्लस 1, उसके बाद प्लस सी हो गया। तो 3 × 3 = 4 हो जाए, 3 × 3 = 3, 3 और 4 = 7 हो जाएगा, मतलब 4 टी की पावर 7/3 बटे, नीचे भी 7/3 ही आएगा, उसके बाद प्लस 4 है, 4 कर देंगे, टी की पावर 3 × 3 = 4 हो जाएगा, तो टी की पावर 4/3 आएगा, नीचे भी करते हैं 3 × 3 वही 4/3 ही आएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा प्लस 3, ये भी 4 से 3 में गुणा हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं और प्लस टी का वैल्यू भी रख देंगे, तो 4 × 3 = 12, 12 + 7 हो गया, टी का वैल्यू कितना रखेंगे (x³ - 1) हो गया, पावर कितना है 7/3 है, उसके बाद प्लस है, ये 3 से गुणा हो जाएगा 3, उसके बाद टी की वैल्यू रखेंगे (x³ - 1), पावर कितना 4/3, तो 4/3 कर देंगे प्लस टी, तो हमारा आंसर है ये आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, अब इसको हम लेट करेंगे, ठीक, अब इसको लेट करेंगे मतलब 2 + 3 (x³ = 2t, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये हो जाएगा 0, सॉरी ये कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 x², उसके बाद dt/dx। ठीक, अब इसको इस साइड भेजेंगे 9 को इस साइड, तो x² dx = 1/9 हो जाएगा dt। ठीक, अब यहाँ पर राइट कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, इसके प्लेस पर हम राइट करेंगे (t³) हो जाएगा, dx² dx के प्लेस पर 1/9, तो 1/9 बाहर कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा dt हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे इंटीग्रेशन 1/9 तो हो जाएगा (t⁻²), उसके बाद हो जाएगा dt, तो 1/9 (t⁻²) प्लस 1 हो जाएगा, (-3 + 1) उसके बाद प्लस सी, तो 1/9 तो ये माइनस है और ये (t⁻²) आ जाएगा, यहाँ पर भी (-2) ही रहेगा प्लस सी। अब t का वैल्यू रख देंगे हम 9 × 18 तो (-1/18) हो जाएगा, उसके बाद t का वैल्यू भी रख देंगे 2 + t(x³) (-2 + c), अब इसको नीचे ले आएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो (-1/18) तो ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 + 3 (x³) प्लस c, तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, इंटीग्रेशन 1/x log x^m, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, इसी को लेट करना है, मतलब कि log(x) = हम लेट कर लेंगे t, जब इसको हम अवकलन करेंगे तो ये 1/3 हमारा हो जाएगा x और हो जाएगा (dt/dx), मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा (dx/x), उसके बाद dt हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया है, अब यहाँ पर हम इसको रख देंगे, तो इंटीग्रेशन 1/x मतलब (dx/x) = dt हो जाएगा, तो हमारा dt ऊपर आ गया। ठीक, और log(x) के प्लेस पर हमने t लेट किए हैं, t हो गया, अब इसकी पावर हमारा m है तो t की पावर हमारा भी m हो जाएगा, अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा (t⁻²) इंटीग्रेशन, उसके बाद dt हो गया, अब इसको क्या करेंगे समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा (t⁻²), उसके बाद प्लस 1 कर देंगे, नीचे भी (-m) प्लस 1 कर देंगे, उसके बाद प्लस सी हो गया। ठीक, इसको आगे पीछे कर देते हैं, थोड़ा मतलब प्लस हो जाए, जब इसको आगे पीछे करेंगे तो हमारा हो जाएगा (t⁻²) - m प्लस 1,
और दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं वन माइनस एम, उसके बाद प्लस सी। अब इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये माइनस दिख रहा है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपान वन माइनस एम, और ये हो जाएगा टी की पावर एम माइनस वन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टी का वैल्यू हमने लेट किए थे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स यहाँ पर राइट कर देंगे, तो वन अपान वन माइनस एम हो जाएगा, उसके बाद अपान में ही है लॉग लॉग एक्स, पावर कितना है एम माइनस वन, तो एम माइनस वन कर देंगे, उसके बाद प्लस सी, तो हमारा आंसर आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसको हम लेट कर लेंगे, मतलब 9 माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी हो जाएगा। ठीक, अब इसको आकलन करेंगे, ये हमारा पार्ट जीरो हो जाएगा, माइनस फोर इंटू टू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो चार दूना आठ हो जाएगा, तो माइनस आठ एक्स यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक, अब एट को इस साइड भेज देंगे तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई, ये माइनस के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और हो जाएगा एक, तो ये आ गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पर हम राइट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ये माइनस वन बाई एट क्या है, बाहर हो जाएगा। ठीक, और एक्स डी एक्स की जगह पर हमारा क्या रहेगा, माइनस डी टी बाई एट, तो हमने माइनस वन बाई एट आगे कर दिए तो डी टी हमारा बचा हुआ है, और इसके प्लेस पर हमने लेट किए हैं टी, तो ये टी हो गया। इंटीग्रेशन वन अपान एक्स डी एक्स का होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पर टी है वन बाई टी, तो ये लॉग टी हो जाएगा, तो माइनस वन बाई एट हो जाएगा लॉग, उसके बाद टी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अब हम टी का वैल्यू राइट कर देंगे, टी का वैल्यू है नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन बाई एट हो गया, उसके बाद लॉग है नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस सी हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया।